सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस, अभी मैं कॉलेज जा रहा था तो अभी तुरंत आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो कमेंट मैंने सोचा कि अभी कॉलेज जाता हूँ उससे पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से दो टॉपिक पर बात करूँगा। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा, जो आंसर की में जो गलती हुई है तो उसके लिए क्या हमारी आंसर की वापस नई आंसर की आएगी या नहीं आएगी। दूसरा जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि एग्जैक्ट कितने नंबर पर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। तो हमारे इतने नंबर हैं जिनके 20 से 25 के बीच में है उनको कौन सी कॉलेज मिलेगी, जिनके 30 से 40 के बीच में उनको कौन सी कॉलेज मिलेगी, जिनके 40 से 50 के बीच में है उनको कौन सी कॉलेज मिलेगी, जिनके 50 से 60 के बीच में उनको कौन सी मिलेगी, और जिनके 70 से 80 के बीच में नंबर है उनको कौन सी कॉलेज मिलेगी। तो गाइज, वीडियो को पेशेंस बनाकर एंड तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर हैं गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करें, पहला टॉपिक, क्या आंसर की दोबारा आएगी। तो गाइज, अगर यहां पर मैं बात करूं, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आंसर के में गलती है, आंसर के में गलती है। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आंसर के में अगर 10 क्वेश्चन से ज्यादा गलती होगी तो ही आप लोगों के आंसर की दोबारा से आएगी, वरना फिर आप लोगों के आंसर की दोबारा नहीं आएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि अगर आपके कितने क्वेश्चन आप लोगों के गलत रहे, अगर 8 तक क्वेश्चन भी आप लोगों के आंसर के में आप लोगों की चेंज है, आंसर की आप लोगों की अगर गलत है 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक भी, तो आप सभी को क्या करना है कि आप लोगों की वो जो क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए गाइज, अगर आप मानते हैं कि आप लोगों के वो 7 क्वेश्चन सही होने से आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी, तो फिर आप लोगों को इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। बाकी अगर आप सोचते हैं कि हमारे नहीं है, इनसे कोई दिक्कत नहीं हमको, तो फिर आप लोग जो है यहाँ पर आपका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की आंसर की दोबारा से आए, तो मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर दूंगा यूनिवर्सिटी के, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को लिख दूंगा, और मेरे नंबर भी हैं कमेंट बॉक्स में, तो सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मेरे पास कॉल मत कीजिएगा, आप लोग मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज डालिएगा कि सर इसका आंसर ये था और आंसर की में ये है, तो हम विद प्रूफ जो है यूनिवर्सिटी के पास में भेज देंगे, ताकि आप लोगों की जो आंसर की है वो दोबारा से वो डाल सकें। दूसरा पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों के जो नंबर आ रहे हैं वो कितने नंबर वालों को कौन सी कॉलेज मिलेगी, तो इसके ऊपर हम चर्चा करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि जिनके भी 70 से ऊपर नंबर आ रहे हैं उन सभी को RUHS कॉलेज मिल जाएगी, और जिनके 80 प्लस नंबर आ रहे हैं उन सभी को जो है यहाँ पर SMS कॉलेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर SMS और RUHS के कॉलेज की बात करूँ, तो RUHS कॉलेज में 70 प्लस नंबर होने चाहिए तो आप लोगों को RUHS कॉलेज मिल जाएगी। बाकी जिनके 80 से ऊपर नंबर हैं उन सभी को यहां पर SMS कॉलेज इजीली मिल जाएगी। अब यहां पर बात करें 65 प्लस वालों की, तो 65 प्लस वालों में आप लोगों को 65 प्लस वालों को मिलेगी आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज, और वो कोई सी भी गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग अपना मन चाहे ले सकते हैं, ठीक है ना। जिनके 65 प्लस नंबर आ रहे हैं वो अपनी मनचाही कॉलेज यहां पर ले सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर दूसरी बात करें कि सर हमारे तो यहाँ पर 35 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, तो क्या हमको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिलेगी। तो देखिए गाइज, आप लोगों को कॉलेज मिलेगी, जिनके भी 30 प्लस नंबर आए हैं सभी को कॉलेज मिलेगी, और प्राइवेट कॉलेज तो आपको पक्का मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कॉलेज की संख्या भी बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। हर एक जिले में कॉलेज की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उस कॉलेज में पहले फर्स्ट ईयर में 40 बच्चे थे, बट अब 50 बच्चे हो गए, यानी 10 सीट बढ़ गई, और इस बार और 10 सीट बढ़ गई, यानी 60 सीटें हो गई, यानी कि ठीक है ना। तो आप लोगों की कॉलेज की जो सीटें हैं वो बढ़ चुकी हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को पूरी लिस्ट में आप लोगों को दिखाऊं कहाँ कौन सी कॉलेज है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों से एक बात 3 वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के मेरे कॉलेज वाले स्टूडेंट से डिस्कस करवाऊँ आप लोगों का किस तरीके से कॉलेज जाना है, किस तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है, कौन सी कॉलेज पहले भरनी है, कौन सी कॉलेज बाद में भरनी है, ताकि आप लोगों को कम नंबर पर भी अच्छी कॉलेज जाए, तो इसलिए आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं नहीं,
सबसे पहली बात तो पूरी वीडियो तो देखते हैं नहीं, और फिर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। तो आप लोग गाइज पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहां पर होती है। अब हमने दो टॉपिक पर बात की, आंसर किया। आप लोग अगर दोबारा लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही विद प्रूफ व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे दे रखे हैं, ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, जाइए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भाई तू ये एपरिन और ये जो है स्टेथोस्कोप डाल के क्या साबित करना चाहता है। तो गाइज ये अपनी एक ड्रेस है हमारी मेडिकल स्टूडेंट की, तो इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप भी एक नर्सिंग स्टूडेंट अभी बनने वाले हैं, तो आप भी इस ड्रेस को पहनेंगे। और आप जब इस ड्रेस को पहनेंगे तो आप लोगों से अगर कोई ऐसा कहे कि भाई तू क्या साबित करना चाहता है ये ड्रेस पहनकर, तो फिर आप लोगों को कैसा लगेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। तो आप लोग ड्रेस पर ना जाइए, ये ड्रेस है इसको पहनना पड़ता है, ठीक है ना। अब मैं कॉलेज जा रहा था इसलिए मैंने आप लोगों को ड्रेस पहनकर वीडियो बनाई है, तो आप लोग प्लीज इस ड्रेस के ऊपर कमेंट ना करें, अच्छा होगा आप लोगों से। और आप मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ जल्दी से आप लोगों का एडमिशन हो जाए और आप भी इस तरीके की ड्रेस पहने, ताकि आप लोगों को भी एक अलग ही फील आए, डॉक्टर वाला फील आए। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।